What's up guys, welcome back to a new vlog. So this is my friend Abhishek. Say hi. ये अभी अभी आया जर्मनी. कितना टाइम हुआ? एक महीना. और अभी जा रहे हैं हम वापस फिर से जिम में, ऐसा ट्रेन करने आए हैं. आज हम लोग चेस्ट वर्कआउट करने वाले हैं. और किसी ने कमेंट किया था कि किसी का इंटरव्यू लो. मैं भी इसको कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा, ये थोड़ा आंसर कर देगा. अभी पहले फिलहाल जिम में जाते हैं, ट्रेन करते हैं और फिर बीच बीच में मैं क्वेश्चंस या फिर एंड में क्वेश्चन पूछूंगा. अभी जस्ट वार्म अप कंप्लीट कर लिया हमने. एक्चुअली मेरे जिम में मेरे मेंबरशिप है, मैं मेरे दोस्तों को ला सकता हूँ. मतलब वीकेंड पे दे कैन कम एंड जॉइन ट्रेन विथ मी. अभी तक किसने मेंबरशिप नहीं लिया बट हिल जो क्योंकि आज संडे है, ये मेरे साथ आ पाया और मे बी ये भी जल्दी ज्वाइन करेगा जिम और मेरे साथ वर्कआउट करेगा और आप इसको बार बार देखोगे यूट्यूब पर. अभी वार्म अप हो गया, अभी जाके हम लोग जो मेरा मेन जो सेट है, वैसे मोस्टली मैं आज मशीन से करने वाला हूँ क्योंकि आई हैव लिटिल बैक इंजरी आई थिंक, मतलब थोड़ा दर्द हो रहा है. तो फिर मशीन से आई डू चेस्ट प्रेस एंड इंक्लाइन प्रेस सब कर लेंगे. मिलते हैं, देखते रहिए वीडियो. अभिषेक, इंडिया के कंपेरिजन में तो भी जर्मनी के जिम कैसे लगे? जिम इज लाइक मच बेटर आई वुड से, क्योंकि यहाँ का मतलब सेटअप बहुत अच्छा है, इक्विपमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ सौना भी है, शावर भी कर सकते हैं. इंडिया के मुकाबले मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगे. ये मेरा शायद दूसरा तीसरा जिम है जर्मनी में एंड इट्स प्रिटी गुड. एंड चलो चलते हैं आगे एंड पर करते हैं अपना ट्रेनिंग. बल मुझे कार्डियो करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी कर रहे हैं कार्डियो. आप में से किस किस को कार्डियो करना नहीं पसंद है कमेंट करना. बट कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियो वैस्कुलर हेल्थ के लिए. इसे करता हूँ थोड़ी देर 10 मिनट कार्डियो, फिर जाऊँगा घर. मेरी तो हालत ख़राब हो गई. कार्डियो के हाईलाइट देखते हैं. 2 किलोमीटर का रन था मेरा ऑलमोस्ट. अभिषेक ने मोटिवेट किया इसलिए मैं 2 किलोमीटर भाग पाया, वरना कभी इतना कार्डियो नहीं करता. जब ट्रेनिंग पार्टनर हो तो फिर वर्कआउट थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है. अभी जाके थोड़ा कूल डाउन करते हैं, बाहर जगह है वहाँ जाके बैठता हूँ. वेदर बहुत ही वार्म है आज. कितना 21-22 डिग्री है शायद. यूजुअली बहुत ठंडा रहता है बट मौसम बहुत गर्म है आज. अभी इधर बैठते हैं थोड़ी देर, कूल डाउन करते हैं. अभिषेक कैसा रहा वर्कआउट? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. हाँ थोड़ी देर बैठते हैं, अच्छा लग रहा है अभी.
हाँ, तो मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो पे किसने कमेंट किया था कि इंटरव्यू लो, तो फिर मेरे साथ अभिषेक है, तो फिर मैं उसको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली इंस्टाग्राम पे आता है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं अभिषेक को पूछता हूँ, वो उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो अभिषेक, मेरा क्वेश्चन है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट तुम्हें कहाँ से मिला और कैसे किया तुमने? ओके, और मेरा सिचुएशन है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरा दोस्त ने दिया था कि ऐसा एक कोर्स है इस यूनिवर्सिटी में, तो मैंने जाके सर्च किया उनके वेबसाइट में, और वेबसाइट में था मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन था, लाइक आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ वो वेबसाइट। तो उसका कहना है कि बहुत इजी है, बस आप ब्राउज करो आपके जो कोर्सेज, आपके जो आपको जो कोर्स करना है, और उसके वेबसाइट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उधर सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना है ना। हाँ, तो वहाँ सब दिया रहता है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एडमिशन प्रोसेस जो है। मैं सही कह रहा हूँ ना? सही है। और रिक्वायरमेंट है मुझे लगता है इट्स अराउंड लाइक यू हैव योर ग्रेड शुड बी लाइक 2.5 साइट में ऐसा है, और जर्मन B2 चाहिए मतलब एडमिशन के लिए, और मुझे लगता है इंग्लिश का भी B2 लाइक IELTS का भी B2 का रेंज होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 2.5 या बेटर है तो फिर आप इंग्लिश टॉट में अप्लाई कर सकते हो, अगर मार्क्स कम भी है तो फिर 2.5 से भी कम हो तो फिर क्या करना होगा? तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी लाइक टू लर्न टिल B2, मिनिमम B2 आई वुड से, बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू लाइक स्पीक लाइक वंस यू कम हियर, बिकॉज दे स्पीक लाइक अ बिट मोर फास्टर, सो डू एट लीस्ट टिल B2 एंड देन इफ पॉसिबल C1 एज वेल, एंड देन व्हेन यू रीच लाइक B2 C1 यू कैन लाइक ईजिली अप्लाई फॉर बाइलिंगुअल एंड जर्मन डॉट, यू विल ईजिली गेट एडमिट। तो कौन सा एग्जाम दिया था तूने, गोएथे एग्जाम या फिर टेस्ट ड्राइव का, कौन सा रिकमेंड करेगा? मैंने गोएथे दिया था, but I think if you have time, enough time, then I would say you can do test draft as well, because I heard that if you have strong B2 and like, yeah, if you are like confident with your strong B2, then you can like give test draft as well. Test draft से आपको कोई भी जर्मन टॉट में मतलब मिनिमम कोई भी एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपके पास टेस्ट ड्राफ्ट है, और शायद गोएथे B2 बहुत कम यूनिवर्सिटी में होता है, या फिर दे आस पास C1 C2 राइट? Like bilingual, for bilingual I guess B2 is enough, but if you want like completely German taught, then you would require C1, I mean test. वैसे bilingual के मतलब इतने courses नहीं होते हैं, बहुत मतलब कम होते हैं, तो फिर मेरा तो recommendation ये रहेगा कि test draft करो अगर आपका score कम है, और यहाँ फिर easily आप Germany में हो सकते हो, और इतना कुछ complicated process नहीं है, है ना? Process smooth था ना? बहुत smooth था, like application मतलब सिर्फ online apply करो, सारे documents upload करो, and then within like I think within 1 or 2 months they'll give you the admit, like if you have satisfied the requirements then by you'll get the admit. Okay, Abhishek, thank you very much to share this knowledge. और अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो फिर just comment section में comment कर दो, I'll try making video on this. I think Abhishek, you will also help, right? Yeah, sure, I'll. Yes, बहुत ही अच्छा workout रहा आज के वर्कआउट को, 10 में से कितना पॉइंट देगा? आज को मैं दूंगा 8 या यस, काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा। अभी मैं घर जाता हूँ और जो मैंने मील बनाया वो खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ऐसे ही मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, और कमेंट करना आपका जो भी क्वेश्चंस है, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं और मैं सब पे रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उससे अच्छा कि मैं वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, तो फिर आपको भी आपके आंसर्स मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक ले चाओ, बाय बोल रहे चलो बाय। RCB से तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, हार गई मैच, शायद अगले साल कब जीतेंगे।